ब्राइटर्स ऑफिशियल आरजी वीडियो देखो, आरजी डिक्लेयर मी पैनल यूजर। अच्छा, ब्राइटर्स ऑफिशियल। और भाई ब्राइटर्स के बंदे लोग, इसको जरा वीडियो ढंग से बनाने बोलो, क्योंकि मैं वीडियो में आ जाऊंगा तो भाई हेट हेट ही हेट मिलेगा। अभी तक मैं किसी को भी अभी तक नहीं बोला कि जाके इसके वीडियो में आके हेट हेट बोलो, अभी तक इसकी सपोर्ट ही करके गया हूँ। पहले कोई भी फाइल ले लो, ट्विक्स टू का ढंग से है, बात इसको मैंने करना को सीख। कट एक कर क्या दिया है मैच यहाँ जीत से, गया खुद यहाँ को, से बहुत सिंपल सा मैंने सहजा इसको समझ निकाल लो। के कहीं भी से। तो पहली बात गाइस, जो भी सब्सक्राइबर उधर जाके स्पैम मार रहे थे, लव यू गाइस, लेकिन वहाँ पे स्पैम मत मारा करो। जो बंदा हमारे खिलाफ शुरू से ही हेट रखता है, और आई डोंट नो आई इसको क्या खुलना सबसे ठीक। और दूसरी बात भाई, एस नहीं बनाता वीडियो, कितनी बार समझा रखा है। और तीसरी बार हम तुमसे भाई 3-4 बार जीत रखे हैं, और तुम बहुत पहले एक बार जीते थे जो मैंने कवर भी किया था हालांकि पिछले वीडियो में, लेकिन वो तुमने स्किप मार दिया क्योंकि तुम्हें हेट फैलाना है लाइव स्ट्रीम पर। अब आई डोंट नो ऐसा क्यों कर रहा है भाई। एंड पूरी वीडियो देखो, जवाब दे दूंगा मैं हर बातों का। चलो, हाँ जो मैं बोल रहा था ना, ब्राइटर्स देखो, ये एस एस ने मेरा वीडियो डाला था, ब्राइट ब्राइट FF इसका ही था शायद, ब्राइट इंडिया। नहीं नहीं यही था क्या, मेरा एक वीडियो डाला था सुअर ने, किधर गया, ब्राइट एस ऐसा कुछ था, ब्राइट इंडिया भाई कौन सा नाम था वो। गाइज, गोपाल को देख के मेरे को काफ़ी कन्फ्यूजन हुई, और गोपाल भी काफ़ी कन्फ्यूजन में था। तो मैंने सोचा भाई क्यों नहीं इसके दिमाग में घुस के हम देखा जाए आखिर इसके दिमाग में चलता क्या है। तो मैंने अपना गिलमेंट भेजा, उसके बाद जो हमें पता चला तुम्हें भी देखना चाहिए। आखिरकार मैं गोपाल भाई के दिमाग में आ गया, जरा देखते हैं इनके दिमाग में चल क्या रहा है। तो गाइज, जब हॉक पहुंचा उनके ब्रेन में, तो मुझे पता चला कि ब्रेन काफ़ी छोटा है, एंड उसमें बस दो ही चीज़ थी, एक था फेयर क्लियर, उस दूसरा था ब्राइटेस। तो मैंने सोचा यार कोई ना, अब जल्दी ये ठीक हो जाएंगे, होपफुली हम ट्रीटमेंट करते हैं इनका। और वैसे तो ठीक हो जाएंगे ये वीडियो देखने के बाद ही, ऑफलाइन में, लाइव पर मत देखना भाई प्लीज़। और लाइव पर देखोगे तो ढंग की बेइज्जती होगी भाई, इसलिए वार्निंग है। एंड अगर ये नहीं ठीक होते तो शायद आरजी की तरह इनकी भी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, एंड क्या कर सकते हैं गाइस, मजबूरी है। मैं काट काट कर देखा, ये क्या ब्राइट का भाई साहब, फेस रिवील हो गया। अरे भाई रोस्टेड हो गया भाई मैं तो, अरे रोस्ट हो गया मेरा तो। अरे यार, रोस्ट किंग है गोपाल भाई के द्वारा मेरा रोस्ट। गोपाल भाई बॉडी सेविंग तो यार मैं चौथी में करता था, फिर भी मैं तुम्हें एक झलक दिखाना चाहूँगा। तो गाइज, मैंने गोपाल भाई का असली फेस देखा, एंड गोपाल भाई फिल्टर लगा के मत लाइव करा करो ब्रो, कोई नहीं तुम्हें बुरा बोलेगा भाई, जैसा दिखते हो वैसा दिखाया करो। फिल्टर लगाने की क्या ज़रूरत है भाई, मानते हैं भाई तुम दिखते हो वैसे, तो वैसे ही रहा करो, रियल रहो। मेरा एक वीडियो डाला था इस सुअर ने, किधर गया, नहीं मिल रहा है भाई ये तो सब। तुम लोग सोच रहे हो ब्राइट भाई इतने शांत क्यों, ऐसी हरकत क्यों कर रहे हैं, वो सामने वाला तुम्हें सुअर कह रहा है। तो भाई यार, अभी मैं बस वार्तालाप कर रहा हूँ, मैं कुछ वैसा ट्रीटमेंट देना नहीं चाहता हूँ, बस वार्तालाप है मेरी गोपाल के साथ, एंड होपफुली ये समझ जाए। एंड बस इसीलिए मैं ज़्यादा गाली वगैरह के प्रयोग नहीं करना चाहता इस वीडियो में, वो है ना। ब्राइट लेजेंड, चलो ब्राइट लेजेंड ने भी नहीं डाला ना मेरे ऊपर, चलो फिर भी देखते। एस था शायद एस, ये तो सब इनको भी डाला है ये वाला। हु गेव मी स्ट्राइक, किसने दिया स्ट्राइक, ब्राइट लेजेंड एक्सपोज्ड, टीम चेंज करो। हाँ भाई वही करना चाहिए था, अच्छा तो अच्छा लड़की को ले लेता, अच्छा खेल लेती, आठ जी से जीतेगा साला, इनसे ही ना जीत पा रहा छक्के। इससे पहले हम लोग Q&A की तरफ आगे बढ़े, मैं एक छोटी सी घोषणा अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। ये वीडियो सर एंटरटेनमेंट के लिए बनाया है, सर दिल फेफड़े गुर्दों पे नाले और हेडफोन लगा। गाने में 2x डाल दिया क्या तूने? गोपाल ब्रो सुनो, इधर इधर आओ, जहाँ तुम कह रहे हो उसने कुछ 2x डाल रखा है, वहाँ तो उसने कुछ डाला नहीं है, लेकिन तुमने कान में जरूर कुछ डाल रखा है ना। वो उससे 2x नहीं बोलते जो उसने कर रखा है, उसको बोलते हैं पिच कम ज़्यादा करना, ऐसी आवाज़ आती है उससे। एंड किस कितने साल से कर रहे हो भाई तुम एडिटिंग, अभी तक तुम्हें ये पता नहीं, रोस्टेड किंग को यही पता नहीं भाई, क्या बोल सकते हैं। हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग, आई होप बढ़िया होंगे। तो भाई देखो, ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए है, तो भाई इस गेम है, गेम में कोई भी जीत और हार सकता है। तो नहीं, गेम में सिर्फ जीतने के लिए बंदे आते, हारते तब ये बकचोदी करते, ठीक है, चूते हमको मत बनाया कर। गाइस कौन आता है गेम पे हारने के लिए, मेरे को बताओ पहले।
लेकिन तुझे पता नहीं है, लेकिन तू चूतिया है भाई, अब क्या बोल सकते हैं। गोपाल भाई को तो समझा रहा है कि भाई गेम को फन की तरह लो। नहीं, गोपाल भाई बहुत सीरियस खेलते हैं। पहला मैच हारते हैं तो पहला टीममेट किक, दूसरा मैच हारते हैं दूसरा टीममेट किक, और तीसरा मैच जब ये हारते हैं ना तो अपना मुंडी में से दिमाग निकाल के बाहर फेंक देते हैं, और दिमाग बाहर निकाल के ये लाइव स्ट्रीम किया था गोपाल भाई ने, इसलिए ये वीडियो बन रही है उनपे। किसी के लिए भी कोई भी हेट नहीं है, सबके लिए लेवल है। ये तो बोलता है एक राउंड पहले जाके मार मारो, ये तो नहीं होगा। 4-0, अब हमको भी उल्टा 4-0 देना है। ये क्या बात करता है यार, ये किधर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा मां। अच्छा तेरे ब्राइटर्स ऑफिशियल, अच्छा एक्सपोज किया ब्रोली को भाई, वो देख लिया मैंने, ब्राइटर्स ऑफिशियल। चलो गाइस ब्राइटर्स यही है क्या, ब्राइटर्स ऑफिशियल वन डे अगो लाइव किक हिज टीममेट। हाँ तो इसके लिए वीडियो बनाएगा तू, मैंने किक किया उसको तो भाई, इसके लिए वीडियो नहीं बनाऊंगा, हमारे वजह से किक किया इसके लिए ये वीडियो बनाऊंगा। ओके सही खेल गया मैं वन डे अगो, चलो देखते 11 मिनट। चलो इनको अब हरा हुआ, अरे सेम ही तो है जो अभी मैंने देखा, वन डे अगो दिखा रहा है ये, इससे पहले भी डाला था। नहीं करवाया था ब्राइटेस, देख लो ब्राइटेस, ये ब्राइटेस के सामने करवाया था मेरा बेइज्जती। चलो एलिमिनेट हो गए, ये लोग भी तो कंटेंट कंटेंट बनाता है। हाँ वही ना, इनने मेरे ऊपर वीडियो बनाया था ना, वही इसलिए बोल रहा हूँ, मेरे को टैग भी करता इंस्टा पे। देखो यार वैसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी एस नहीं था भाई तुम्हारे वर्सेस में, आज तक एस खेला ही नहीं हमारे साथ, ठीक ना। और वो दूसरे बंदे थे और लेजेंड ने वीडियो डाली तो और उसने ही टैग करा था। कोई बात नहीं, गोपाल भाई हो जाता है, लोग भुलक्कड़ हो जाते हैं, इसलिए तो कहते हैं कि मॉर्निंग योगा किया जाता है, कोई बात नहीं होता है तो। लेकिन इस वीडियो के बाद अब तुम नाम ना भूलो शायद। चलो तो गोपाल भाई यार ये हैकर लेके खेलते हो, शरम वरम आती है कि नहीं? ये देखो गुड बॉय मत नल्ला नोनी करके हैकर था गाइस जी। अरे अरे ये कैसे होगा भाई, गोपाल भाई खुद ही हैकर थे, देखो क्या ही रेड नंबर मारे थे, पहला रेड क्या, कौन हैकर है हमने में नल्ला नोनी तो शरम वरम आती बोलो शायद। चलो तो गोपाल भाई यार ये हैकर लेके खेलते हो, शरम वरम आती है कि नहीं? कौन हैकर है इसमें, ये देखो गुड बॉय मत नल्ला नोनी करके हैकर था गाइस जी। अरे अरे ये कैसे, नल्ला नोनी हैकर भाई, गोपाल भाई खुद ही हैकर थे, देखो क्या ही रेड नंबर मारे थे, पहला रेड दूसरा रेड तीसरा चौथा पांचवा, अरे अरे पूरी स्क्वाड भाई इनकी गाइस। हाँ मैं कितना फैक्ट पे बातें करता हूँ ना गाइस, तो भाई मेरे को पता ही था गोपाल भाई के दिमाग में और कुछ है नहीं, तो इसलिए भाई जोक नहीं पकड़ पाए, कोई बात नहीं चलता है। तो गाइस आ गए तुम लोग क्वार्टर देखने, मैं जानता हूँ ओनली मैं ही क्वार्टर दिखा सकता हूँ एकदम खतरनाक डेंजरस लेवल वाला। तो गाइस यहाँ पे क्या मैं कर रहा था, रस करने का प्लानिंग कर रहा था गाइस यहाँ पे यार, किताब लेके बैठ जाता कौन बोल रहा है भाई, कैंप कर रहा था मतलब यहाँ पे मैं देख रहा था किस साइड से बंदे आ रहे हैं, तभी मैं उनको चारों को हेड ही हेड मार दूंगा ऐसा करके। तो गाइस यहाँ पे मैं जा रहा था, नोडा डाउन हो गया कौन है इस, अरे यार इतना बेहूदा बंदा ये लोग यार डाउन, मैं तो कभी डाउन हो आ सकता, कट कर देना प्लीज। अब क्या सोच रहे हो भाई, ये सलाह उतना मजेदार नहीं होने वाला है, जो वाली चीजें सब्जेक्टिव होती है ओके, तो ये सब तुम्हारे दिमाग पे डिपेंड करता है किसको कितना समझ आ रहा है, कौन कितना क्या अच्छा लगता है या फिर सच में अच्छा नहीं लगता होगा। और एक बात सोचो गाइस, तुम्हें कोई मार के तुम वीडियो डाले और तुम रिएक्ट कर रहे हो उसे लाइव पे, ऑब्वियसली तुम अच्छा उसको बोलोगे नहीं बोलोगे गाइस, तो अब क्या पता सबका अलग अलग होता है, और मैं देखूंगा तो यार अच्छा एडिट होगा तो ऑब्वियसली अप्रिशिएट करूंगा उसे, बाकी क्या कर सकते हैं गाइस कोई बात नहीं होता है, क्या पता सच में नहीं समझ आया हो या फिर अच्छा नहीं लगा हो सच में भाई, गोपाल भाई के ऊपर भाई सब्जेक्टिव चीज़ें होती हैं सब। ले भाई अब मेरे को कोई फार्मर्स दे एक राउंड बैठ जाए, दो राउंड तो बहुत उखाड़ लिया, अब एक राउंड मेरे को M4A1 दे, मैं ओम लेता हूँ ठीक है। इस चूतिया का क्यों गाना दे रहा, ये ब्रो उसका गाना थोड़ी ना भाई, उसने कंपोज थोड़ी ना करा है, लिरिक्स थोड़ी ना लिखा है भाई, वीडियो में यूज करता है मतलब उसका गाना हो गया, नहीं हुआ ना भाई, आर्टिस्ट का गाना है भाई जो जिसने बनाया है। जाऊंगा चोको को, विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो। क्या 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 गाने के बीच में बोल के चोको ने मेरा स्क्रिप्ट खराब कर दिया, तो मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा चोको को, विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो। स्कूप सूप स्केलेटन, ये ना मजा नहीं आ रहा है भाई, तुम ऐसे कर रहा है कभी उन लोगों को आरजी गेमर से कंपेयर कर रहा है भाई, आरजी गेमर की स्क्वाड कह रहा है कि भाई जितना इनसे ब्राइटर से नहीं जीत रहे हो आरजी गेमर से कैसे जीतोगे भाई, तो जितना मैंने कस्टम खेल रखा है ना सीएस में कस्टम कस्टम अनलिमिटेड ग्लोबल देके खुद को
यही तो चाहिए, यही है फ्यूचर ऑफ फ्री फायर। अहंकार देख लो जितना मैंने कस्टम, अरे बहनचोद कम से कम ये बोलने से वजन आती है, जितना मैंने ला मतलब रैंक मैच का ये क्लास स्क्वाड खेल के रखा हूँ ना उतना तो भाई, ये इसका अहंकार देखो कहीं और लेवल का है। नहीं जीत रहा हूँ आरजी गेमर से कैसे जीतोगे भाई, तो जितना मैंने कस्टम खेल रखा है ना सीएस में या फिर क्लास स्क्वाड रैंक ही खेल रखा जितना, उतना तो आरजी गेमर ने ओवरऑल में गेम नहीं खेले होंगे। लो भाई गोपाल के साथ स्कैम होते हुए गाइस, जिस टॉपिक पे बेचारा क्रिटिसाइज करना चाह रहा था उसको मैंने कवर कर लिया आगे जाके, कोई बात नहीं गोपाल ब्रो होता है। और सुनो मैं पेड कस्टम खेलता था भाई, तुम जाके अपने साथ वालों से पूछो, करण से पूछो, सनीचर से पूछो, ये लोग से, महेंद्र, रॉकर, ये लोग से पूछो भाई पेड कस्टम क्या होता है, तुम जानोगे। क्या पता तुमने खेला भी हो, पैसे नहीं मिले होंगे तुमको, अलग बात होता है। कोई बात नहीं, हम पहले वही खेलते थे भाई, उसी से सब इलाइट पास वगैरह लेते थे, टीम खेलते थे, खाते थे, उसी से चलता था हम लोग का मस्त सब चीज़, तो खेलते थे भाई पेड कस्टम, क्यों नहीं खेले, पैसे कमा रहे थे उससे। अब यूट्यूब पे पेड कस्टम में बहुत है करा रहे हैं, अब यूट्यूब पे काम कर रहे हैं तो ये चीज़ें होंगे। और भाई गोपाल की खुशी देखे बेचारे, एक सिंगल पॉइंट नहीं निकाल पाया पूरी वीडियो से। अब फिर इसको जब समझ नहीं आया अब क्या करूँ, कैसे क्या करूँ भाई, रोस्ट कैसे करूँ, तो भाई इसने देखो क्या करा। तो भाई ये क्या कर सकते हैं, ऐसे ही लोगों से कंपेयर कर रहा, फिर कह रहा है गुस्सा मीमों बना देते हैं, अटैक करते हैं, ऐसा करते वैसा करते भाई। क्या भाई इसका आगे वीडियो क्या देखूँ मैं, छोड़ो भाई, चलो नेक्स्ट। एग्जैक्टली भाई, अब मैंने जस्ट उसके पीछे जिसने स्किप किया ना उस वीडियो के पीछे मैंने तारीफ करा था इसका कि भाई बहुत पुराना प्लेयर है, हम रिस्पेक्ट करते हैं, सब स्किप मार दिया इसने। पता नहीं इसने पहले से देख रखा था या फिर इसका मूड ही था कि भाई हेट फैलाएं, कोई टॉपिक हो जाऊँ, लेकिन मिल नहीं पाया। एंड क्या कर सकते हैं, और हाँ एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा इसका मैं, जब लेजेंड ने इसका वीडियो डाला था तो इसने कमेंट किया था टीम कोड से आया हुआ दो बंदा था प्रो, और क्लिप को काटना पूरा दिखाओ क्लिप, मतलब कहना ये चाहता था भाई तूने तो वीडियो स्किप मारा भाई, कैसा मतलब क्या कहना चाहता तू भाई। और कह रहा है भाई टीम कोड से आए थे भाई, तू उस टाइम लाइव नहीं कर रहा था, किसको मना रहा है भाई, कोई बात नहीं भाई, हमने उस टाइम पे तेरे को क्रिटिसाइज नहीं किया बिल्कुल भी, मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा चल छोड़ो। और भाई वो रैंडम नहीं थे दो, एक बंदा रैंडम हो सकता है, टीम कोड भाई लाइव कर नहीं रहा भाई, तू भी क्रोम पे करता है क्या लाइव भाई। और नोनी भाई, नोनी की हरकतें देखो, कह रहा है ब्राइट के साथ कस्टम करना होगा, नेट कस्टम, अच्छा भाई, तो भाई तू, हम तो दिन भर खेलते रहते हैं, लिमिटेड ही खेलते हैं आजकल प्रैक्टिस करने के लिए सीएस का गिल्ड वालों के साथ, तो भाई करना है तो प्लीज़ डीएम कर देना मेरे को, ठीक ना, कर लेंगे, और वीडियो भी डालूंगा मैं, तो हारूँ चाहे जीतूँ वीडियो डालूंगा भाई। और भाई तेरे, तू कितनी बार भाई जब मैच मेकिंग करता है नोनी, तेरे को सलाह एक, तो भाई सलाह ऐसा है कि भाई बिना पैनल वालों के साथ भी मैच मेकिंग कर लिया कर भाई, नॉर्मल भी खेल लिया कर, हर में सब पैनल वालों को लेके ही जाता है मैच मेकिंग करने। और भाई कितनी बार आता है, कितनी बार पिट के गए हैं, चलो भाई आगे वाली वीडियो नोनी भाई पे आएगी, हमारे प्रिय नेट किंग भाई नोनी भाई पे आएगी, चलो। और होपफुली गोपाल भाई तुम अगर इस वीडियो को देख रहे हो ऑफलाइन में ही देखना, और सब चीज़ शॉर्ट हो जाना चाहिए, दोबारा हिट नहीं मिलना चाहिए हमें भाई, हम हिट किसी को देते नहीं, मैं तो इनफैक्ट मैं तो खुद की बेइज्जती मारते रहता हूँ अपनी वीडियो में, तो भाई मैं किसी को हिट क्यों दूंगा। हाँ अगर कोई सामने से हिट दे रहा है हमें तो हम दे देते हैं थोड़ा सा, उन्हें भी पे बैक कर देते हैं, यही सब बातें हैं। चलो गाइस तुम लोग कह रहे थे रिप्लाई दे दो रिप्लाई दे दो, तो मैंने दे दिया रिप्लाई, अब ये सब आगे नहीं करूँगा मैं, कॉन्टेंट पर ध्यान देंगे भाई। चलो गुड नाइट गाइज, लव यू ऑल।